नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे आशा करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सामने फ्रंट खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा टाइप। यहाँ पर सबसे पहला ग्रुप की बात करें तो आता है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब कि यहाँ पर हमको किसी अनदर डेटा से, किसी अनदर एप्लीकेशन या किसी अनदर सोर्स से कोई डेटा इंसर्ट कराना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है फ्रॉम एक्सेस। हमको एमएस एक्सेस की कोई भी फाइल यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर एमएस एक्सेस की कोई अगर फाइल पड़ी है तो हम उसको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि कोई गरिमा नाम की फाइल पड़ी हुई है और इसको हम ओपन पर क्लिक करते हैं और ये यहाँ पर पूछता है किस रो में, किस कॉलम में उसका रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पर है पूरी डेटा, एमएस एक्सेस की फाइल जो है वो आ चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम वेब, अगर हमें कोई इंटरनेट की फाइल यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो हम फ्रॉम वेब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंटरनेट की फाइल हमको इंपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर इंटरनेट चल नहीं रहा है इसलिए एरर बता रहा है। फिर भी इसका जो एरर वाला मैसेज है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। ओके, तो फ्रॉम टेक्स्ट की अगर बात करें तो फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि नोट पैड। ठीक, तो हम अगर फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये नोट पैड की फाइल ढूंढता है। अगर कोई नोट पैड की फाइल पड़ी है तो उसको हम इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि एबीसी नाम की कोई फाइल है जो कि नोट पैड की है, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और ये फाइल यहाँ पर पूछता है कि इस तरीके से, जैसे कि इसमें इस फाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ए गुड बॉय और इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे बताएगा इस तरीके की आएगी नेक्स्ट और फिनिश और ये यहाँ पर रेफरेंस बता रहा है। ओके ठीक, अब देखिए यहाँ पर आई एम अ गुड बॉय इस तरीके से आ चुका है। ओके, नाउ फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर हम यहाँ से इन तीनों के अलावा अनदर सोर्स से भी फाइल लेना चाहते हैं तो वहाँ भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर जो कि डेटाबेस का ही एक काफ़ी अच्छा है, जैसे कि फ्रॉम एक्सेस है वैसे ही एसक्यूएल है और इससे भी हम फाइल अपनी इम्पोर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिया है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब कि हमने इस पेज पर कौन कौन से कनेक्शन बना रखे हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल दिखा रहा है एबीसी नाम की। यहाँ पर ब्लैंक जो है ये कनेक्शन जो तुम्हारा इसका नाम है जो इंटरनेट वाली फाइल थी फ्रॉम वेब, तो यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है उसके बारे में। और एक ये गरिमा नाम की फाइल जो है फ्रॉम एक्सेस की है। बाकी इनके जो हैं अलग भी दिए गए हैं, यहाँ से भी हम चाहें तो और भी ओपन करा सकते हैं। किसी को भी ले सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें और इंपोर्ट हो जाएगी। फिर हम बात करें कि यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्शंस, तो यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इतने तीन कनेक्शन जो है हमारी फाइल पर पड़े हुए हैं। हम चाहें तो इनको ऐड करें या रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि इस कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर से हम कुछ भी अगर क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा किसी भी फाइल को, या फिर इसको चाहें तो ऐड करा सकते हैं यहाँ पर कोई और भी फाइल प्राप्त करा करके और ओपन कर देंगे तो वो वाली फाइल हमें मिल जाएगी। क्लोज कर देंगे। फिर हम बात करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर्स की। सॉर्ट एंड फिल्टर्स क्या है बेसिकली? देखिए हमारा कोई डेटा अगर है और उसको सॉर्ट एंड फिल्टर कराना है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है और इसको अगर हमें फिल्टर कराना है जैसे ए टू जेड की ओर या जेड टू ए। अभी क्या है, देखिए यहाँ पर ए नाम से अंकित दिया है, बी से भानु दिया है, सी से चंदन दिया है और फिर एस दिया है शिवम, डी दिया है फिर, तो अभी ये जो है सॉर्टेड नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और ए टू जेड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉर्टेड हो चुकी, ए बी सी डी इस तरीके से सॉर्ट हो चुकी है। अब चूँकि यहाँ पर जो एडवांस फिल्टर की बात करते हैं, इसका अगला वाला ऑप्शन है, ये सारे नहीं की ऑप्शन है। एडवांस फिल्टर तभी काम करता है जब हम ए टू जेड की ओर डेटा सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्लिक करते हैं एडवांस पे और यहाँ पर जो है देखिए एडवांस फिल्टर काम करने में क्या काम आता है, जैसे कि हमको किसी एक बंदे की यहाँ पर से डिटेल चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर सेल्समैन की डिटेल दी गई है, अगर हमको यहाँ से किसी एक एम्प्लॉय का, जैसे कि हमको चाहिए चंदन नाम के बंदे की जो है डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम टाइप करेंगे चंदन एम्प्लॉई है। ठीक, फिर हम उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे गए एडवांस फिल्टर
और यहाँ पर हमको लिस्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है। अभी ये चीज़ सेलेक्ट है, ये नहीं सेलेक्ट करना है, किस लिस्ट से हम उसका डेटा देखना चाहते हैं। तो उसके यहाँ पर से हटाएंगे इसको, और यहाँ से आए, इसको सेलेक्ट किया, ओके। अब हमें वो क्राइटेरिया देना है जहाँ पर हमको उसका डेटा देखना है। यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज जैसे कि इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे चंदन सहित, इस तरीके से, ओके। अब हमको ओके कराएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो लिस्ट है वो केवल दो ही लोगों का डेटा सेव कर रही है। चंदन ने मॉनिटर सेल किया है और सीपीयू सेल किया है, तो उन्हीं का डेटा सेव कर रहा है केवल, ओके। इसी तरीके से अगर हमको कोई दूसरा भी देखना हो तब भी हम यही करा सकते हैं। जैसे कि हमको चंदन के बजाय यहाँ पर हमको चाहिए प्रोडक्ट से, जैसे कि हमको देखना है कि मॉनिटर किसने किसने सेल किया है, तो हम मॉनिटर पे क्लिक कर देते हैं, मॉनिटर यहाँ टाइप कर देते हैं, ओके। फिर से हम यहाँ पे आते हैं और एडवांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको वही लिस्ट की डिटेल देनी है, ये नहीं देना है कि किस लिस्ट से हमको डेटा फाइंड कराना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, और यहाँ पर क्राइटेरिया देना है कि हमको किसका डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हमको क्राइटेरिया दे देना है और ओके कर देना है। तो अब देखिए मॉनिटर दो लोगों ने सेल किया है, चंदन और डेविड, इतने इतने रुपयों का। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला आता है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स मतलब सबसे पहले आता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम को समझने के लिए हम आते हैं एक नई सीट पर, और देखते हैं यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टाइप कर रहे हैं आई एम अ गुड बॉय, ओके। अगर हम इसको नीचे सेल में आते हैं तो ये जो टेक्स्ट है देखिए आप नेक्स्ट सेल में भी जा रहा है, ठीक। अगर हमको हम नहीं चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट सेल में जाए, बल्कि हर एक टेक्स्ट हर एक सेल में हो जाए, मतलब हर एक वर्ड हर एक सेल में आ जाए, तो हम क्या करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट ये इस तरीके से देखिए हम शो भी करा रहा है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये भी बता रहा है नेक्स्ट, और फिर फिनिश कर देते हैं। अब देखिए आई एक सेल में आ चुका है, एम अ गुड बॉय। इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम टेक्स्ट को कॉलम में कर सकते हैं। रिमोट डुप्लीकेट्स, रिमोट डुप्लीकेट्स मतलब कि कोई भी डेटा है उसमें अगर कोई डुप्लीकेशन है उसमें डिलीट कराने के लिए, जैसे कि हम क्या करते हैं डेविड नाम को ज़रा कॉपी कर देते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करा देते हैं कंट्रोल वी। अब देखिए डेविड का जस्ट कॉपी यहाँ पर जो है हमने पेस्ट करा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आते हैं रिमोट डुप्लीकेट पर, और यहाँ से हमको रिमूव डुप्लीकेट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से देखो पूरा लिस्ट सेलेक्ट हो चुकी है, और हम करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पर अभी देखिए डेविड का जो है शो कर रहा है, यहाँ पर भी डेविड का शो कर रहा है, और जैसे ही ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख के भी आ गया वन डुप्लीकेट फाउंड्स एंड रिमूव्ड, नो यूनिक वैल्यूज रिमेन। 10 हमने कॉपी करी थी तो 10 हो गई थी, अब यहाँ पर वो वन वैल्यू रिमूव हो चुकी है और 9 वैल्यू बची हुई हैं। ओके करते हैं तो वो वैल्यू रिमूव हो चुकी है। देन नेक्स्ट आता है आप डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी क्या है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम है, कोई बंदा धोखे से यहाँ पर कोई नंबर ना टाइप कर दे तो हम उसको वैलिडेट करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को वैलिडेट कराना है तो हमको सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर से हमको एनी वैल्यू की जगह पर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करनी है। मानिए कि हमको चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप हो वो 3 से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो, तो हम क्या कर देंगे, चाहे तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखो बिटवीन दिया है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिटवीन को पहले समझ लेते हैं। मिनिमम जैसे कि हमको चाहिए 3 मिनिमम डिजिट होनी चाहिए टेक्स्ट के अंदर, 3 लेटर होने चाहिए, डिजिट नहीं सॉरी, और यहाँ पर मैक्सिमम 10 लेटर, मतलब 3 से कम लेटर ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो, और ये हम एक इस पर रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, डेटा वैलिडेट कर देते हैं। अब आते हैं ज़रा इस पर, और किसी भी टेक्स्ट को ज़रा हमने 2 टाइप करके देख लिए और एंटर कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक तेरा द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमने वैलिडेट कर दिया है, ओके। रिट्राई करेंगे फिर भी, अगर हमारा ASD अगर टाइप कर दें तो देखिए ले लिया इसने, ठीक, और वैसे नहीं लेगा, ठीक।
ऐसे ही 10 से अगर ज़्यादा हम टाइप कर दें तब भी यही एरर मैसेज देगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको हटा दें, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं जरा इसको सेल को और दूसरे को समझ लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमको नंबर को अगर कराना हो तो हम क्या करें, हमने सीखा है टेक्स्ट को वैलिडेट करना, अब हम सीखते हैं नंबर्स को वैलिडेट करना। अब हम क्या करते हैं, नंबर्स की लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है होल नंबर, इसको हम अगर यहाँ पर वैल्यू बदली हुई है तो हम होल नंबर ही सेलेक्ट करेंगे अगर नंबर को वैलिडेट कराना है तो, और होल नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर से कुछ और भी कंडीशन हम ले सकते हैं, जैसे कि नॉट बिटवीन ले लेते हैं। मिनिमम जो होनी चाहिए वो 10,000 वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर हम कुछ भी जैसे कि मान लिया 14,000 सेट कर दें। ठीक, इसके अलावा और भी आप कुछ भी दे सकते हैं और ओके कर दें। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं और कुछ 10,000 से 14,000 के बीच में जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने 12,000 टाइप कर दिया और एंटर करा, तो देखिए यहाँ पर फिर से एक एरर मैसेज दे रहा है, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। अगर हम चाहते हैं कि इस पर डेटा वैलिडेशन, ये पहले से लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि जो एरर वाली अलर्ट आती है उसको कुछ हम चेंज कर दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टाइटल जैसे हमने कुछ भी दे दिया, नंबर वैलिड, ओके, और एरर मैसेज क्या शो करें, इनपुट बिटवीन 10,000 to 14,000। ओके, इस तरीके से हम उसको एक एरर मैसेज दे सकते हैं। अब जरा यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे 12,000 हमने अगर इसको टाइप किया और एंटर करा तो देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज अपने तरीके से हमने जो सेट किया वो दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। अगर इसको हमें हटाना है तो हम यहाँ से पहले जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक, अब हमारा डेटा वैलिडेशन हट चुका है। फिर हम बात करेंगे कंसोलिडेट की। कंसोलिडेट को समझने के लिए हम आते हैं जरा यहाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है कि अलग अलग सीटों से ले करके डेटा हमको किसी एक सीट पर लाया जाए और उन्हें मर्ज करा दिया जाए। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीट वन पे एक डेटा पड़ा हुआ है, अभी नाम के कोई सेलर हैं जिन्होंने जनवरी में इतनी 1,000 की, फरवरी में 1,500, मार्च में 1,800, अप्रैल में 2,000 की सेल करी है। फिर यहाँ पे आते हैं सीट टू पे, देखिए यहाँ पर कोई विवेक नाम का सेलर है जिन्होंने इतनी सेल करी है, 1,200, 1,800, 4,600, 2,500 और किन किन महीनों में, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब हम आते हैं सीट थ्री पे, इस सीट पर इन दोनों सेलर्स के डेटा को आपस में कंबाइन कराते हैं कंसोलिडेट फंक्शन की मदद से। कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है उसका जो चीज़ हमें कंबाइन करानी है, रिकॉर्ड। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, इनको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम रखते हैं कर्सर को और आते हैं सीट वन पे। पहला रिकॉर्ड है, हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसका रेफरेंस देखिए आ चुका है, सीट वन का ये रेफरेंस है और हमने ऐड पर जाकर इसको ऐड करा लिया। फिर आते हैं सीट टू पे, नेक्स्ट रेफरेंस है, इसको यहाँ से हटाते हैं और हमको ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। ये रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया, ऐड पर क्लिक किया और ये ऐड हो गया। फिर आते हैं हम सीट थ्री पे, जहाँ पे हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन कराना है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस जो आता है इसको हमें हटा देना है क्योंकि हमको तो यहाँ पर रिकॉर्ड पुट कराना है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो टिक लगे हुए हैं, ये टिक इसलिए लगाते हैं, टॉप रो पे अगर टिक लगा है तो मतलब जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पर रिकॉर्ड में आए तो ये जो टॉप वाली रो है नेम में जून, इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि आए तो यहाँ पर टॉप रो पे टिक लगा होना चाहिए। लेफ्ट कॉलम में उनके नाम अगर लाना चाहते हैं तो लेफ्ट कॉलम पर टिक लगा रहना चाहिए, नहीं तो केवल रिकॉर्ड यही आएगा, बाकी नहीं आएगा।
फिर क्या है यहाँ पर तीसरा वाला जो टिक लगाना है, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, मतलब शीट थ्री पे जो हम रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर कराने वाले हैं तो उस डेटा से, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई चेंजेस हमें देखने हैं, अगर हम शीट वन या टू में कहीं पर भी कुछ चेंजेस कर दें तो शीट थ्री पे चेंज हो जाए, इसलिए इस लिंक को हमें टिक करना होगा और ओके कर देंगे। देखिए अब रिकॉर्ड जो है अभी और विवेक का एक ही जगह पे आ चुका है। ओके यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से ग्रुप अनग्रुप हो रखा है, इसको अगर हम अनग्रुप कर दें तो रो एंड कॉलम किस चीज़ को अनग्रुप करना चाहते हो, रो को। देखिए अब यहाँ पर रिकॉर्ड शो कर रहा है। अभी ने क्या करा है, बुक वन में इनका डेटा पड़ा हुआ था, जनवरी में इतनी सेल करी थी इतनी 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 की, और तुम्हारा विवेक ने जो है इस तरीके से यहाँ मई जून जुलाई अगस्त में सेल करी है, तो एक में डेटा कंबाइन हो गया। अब हम अगर सीट वन पे आते हैं और ज़रा जनवरी का अभी का रिकॉर्ड जो है चेंज करते हैं, 1200 कर दिया हमने 1000 की जगह पर, और सीट थ्री में ज़रा देखते हैं, इसको एंटर कर देते हैं और सीट थ्री में देखते हैं क्या चेंज हुआ। देखिए अब चेंज हो चुका है, 1000 की जगह पर यहाँ भी चेंज हो चुका है। अगर सीट टू में आए विवेक का, देखिए पहले महीने का यहाँ पर भी 1200 शो कर रहा है, और हम जरा चेंज कर देते हैं इसको 1500 करके देख लेते हैं और एंटर कर देते हैं, तो सीट थ्री पे आते हैं और देखिए यहाँ पर 1500 चेंज हो चुका है, ये लिंक बना हुआ है दोनों डेटा के मध्य में। अगला ऑप्शन है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम जरा यहाँ पर आते हैं। एक हमने पहले से कुछ इंसर्ट करा रखी है टेबल टाइप का। अब देखिए व्हाट इफ एनालिसिस हमको एनालिसिस करने का एक अच्छा अवसर देता है, मतलब जैसे मॉनिटर अभी कितने का है, 1200 का, ठीक, सीपीयू 2000 का, कीबोर्ड 300 का, माउस 200 का, और इन सब का टोटल 3700 हो रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने ये सारी चीज़ें खरीदनी है, मान लिया हमारे अगर शॉप हो और हम ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर रेट बढ़ जाएं या घट जाएं तो क्या उनका दाम हो सकता है, तो हम व्हाट इफ एनालिसिस के सबसे फर्स्ट ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं। सिनेरियो मैनेजर पे अगर हम यहाँ पे आएँ, सबसे पहले तो टोटल को सिलेक्ट करें और फिर व्हाट इफ एनालिसिस पे आएँ, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करें, और यहाँ पर देखिए पहले से कुछ मैग्स और मैंने बना हुआ है, हम इनको डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। अब हम स्टार्टिंग से ऐड कराते हैं। हमको यहाँ पर जैसे कोई नाम देना होता है कि हम किस चीज़ का सिनेरियो बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं मैक्सिमम रेट का। ओके मतलब कि 3700 से बढ़कर क्या रेट और अधिक हो सकती है उसका बनाएंगे यहाँ पर, ठीक, और हम यहाँ पर जो है रेफरेंस दे देंगे। और यहाँ पर देखिए इस चीज़ का रेफरेंस नहीं देना है हमको, किन सेलों में चेंजेस हो जाएगा उसका रेफरेंस देना है। माना कि मॉनिटर के दाम बढ़ गए या सीपीयू के दाम बढ़ गए या कीबोर्ड के दाम बढ़ गए, तभी तो यहाँ पर चेंज आएगा, तो इसको नहीं सेलेक्ट करना है हमको, इन चीज़ों को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में हम ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों की जो है वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि मॉनिटर 1200 के बजाय भविष्य में 1300 का हो सकता है, ठीक, यहाँ पर, और नेक्स्ट पे आते हैं जो सीपीयू है वो 2000 के बजाय 2200 का मान लो हो गया, इस तरीके से हमने अनुमान लगाया, और जो कीबोर्ड और माउस हैं वो वही रहेंगे और हमने ऐड करा दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है सिनेरियो ने अगला हमको सिनेरियो जो है बनाना है वो हम बना लेते हैं मिनिमम रेट का, तो उसके लिए हम एक नाम दे देते हैं मिनी, और यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट करते हैं उन्हीं सेल्स का जिनके दाम घटने बढ़ने वाले हैं, इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसका रेफरेंस दे दिया और ओके क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर दाम जो है वो घटा करके कितने हो सकते हैं, माना 1200 का अगर मॉनिटर है और हम सोच रहे हैं कि हो सकता है 1000 में हो जाए, तो हमने इसका यहाँ पर प्राइस चेंज किया। अब यहाँ पर 2000 के बजाय हमने हो सकता है 1800 का हो जाए और ऐड पे जाके क्लिक कर दिया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको कट करते हैं, और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम दो सिनेरियो हमारे बन के आ चुके हैं।
अगर हम मैक्स पे क्लिक करते हैं और शो कराते हैं, यहाँ पर देखिए शो दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर रेट बताएगा कि मैक्सिमम में कितना हो जाएगा। देखिए 4000 हो जाएगा मैक्सिमम में। और अगर मिनिमम पे क्लिक करते हैं और फिर शो का ऑप्शन करते हैं तो देखिए 3300 बता रहा है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि ये समरी हमको दिखाई पड़े सीट पर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और हम समरी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर समरी दिखाई पड़ रही है। ठीक, करंट वैल्यू हमने चूँकि मिनिमम पे सेट कर दिया था इसलिए 3300 शो कर रहा है, लेकिन अगर हम वही रेट रख करके और मैक्सिमम मिनिमम दे करके और डायरेक्ट समरी पे क्लिक कर देते हैं तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। ठीक, करंट वैल्यू ये है, मैक्सिमम की वैल्यू अगर आती है तो इतनी हो जाएगी, मिनिमम की करंट वैल्यू से मैचिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने उसको मिनिमम अभी सेट किया था इसलिए वही वैल्यू ले रहा है। अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिनेरियो मैनेजर के समरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर करंट वैल्यू बताता है बीच वाली, और यहाँ पर जो बढ़ी हुई है और यहाँ पर घटी हुई है। ओके, अब इसको हम जरा डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है व्हाट इफ एनालिसिस का गोल सिक। गोल सिक क्या होता है, बेसिकली जैसे यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि इनके प्राइस हैं और यूनिट हैं। जैसे मॉनिटर 1000 प्राइस में है और उसकी दो यूनिट, मतलब दो यूनिट 1000 में, अगर 1000 की एक यूनिट है तो अगर दो यूनिट हो तो कितने को जाएंगी, 2000 की। फिर सीपीयू जो है 1800 का एक यूनिट है तो तीन का कितना हो जाएगा, 5400। इसी तरह कीबोर्ड है चार यूनिट में 1200 और माउस के पाँच यूनिट हैं 1000 के। तो अब देखते हैं कि इसमें जो हम चाहते हैं कि हमने कोई मॉनिटर इतने इतने यूनिट के ख़रीदे हैं इस रेट में, लेकिन हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं 100 रुपये का। जैसे मॉनिटर पर हम चाहते हैं कि मॉनिटर पर 100 रुपये प्रॉफिट लें, अगर हमें 100 रुपये प्रॉफिट लेना है तो 2000 के बजाय हमको 2100 में बेचना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये गोल सेट करते हैं कि 2100 में अगर हमें बेचना है दो यूनिट, ठीक, तो हमको एक यूनिट का दाम कितना देना, मतलब एक यूनिट जो है कितने में बेची जानी चाहिए। जैसे कि मॉनिटर दो अगर हम बेचना चाहते हैं 2100 में, तो सिंगल मॉनिटर कितने का बेचना जाना चाहिए, क्योंकि हमको 100 रुपये का लाभ लेना है। तो व्हाट इफ एनालिसिस पे आते हैं, गोल सिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टू वैल्यू, मतलब कि जो बढ़ करके वैल्यू होनी है वो कितनी होनी है वो देनी है। हम यहाँ पर देते हैं 2100, यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें वैल्यू हमको देनी है। अगर पहले से सेलेक्ट नहीं है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में हमको चेंज कराएंगे वैल्यू, तो 2100 हो जाएगी, क्योंकि मॉनिटर का प्राइस है उसी में चेंज होगा तभी तो होगी चेंज। तो हम यहाँ पर जा करके इसका रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ओके करते ही यहाँ पर 2100 आ चुका है और प्राइस की जो है वो बढ़ चुका है, वो 1050 हो चुका है। ठीक, 1000 था, 1000 से 50 हो गया, 1050 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम उसका गोल एक डिसाइड करके और उसमें गोल सिक लगा सकते हैं। डेटा टेबल से टेबल बनती है जो कि सारे पीछे देख चुके हो। ग्रुप और अनग्रुप समझते हैं। ग्रुप अनग्रुप समझने के लिए हम यहाँ पर एक आते हैं, देखिए यहाँ इसी को ही हम क्लिक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी क्या है, हमने कोई दो यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करे हैं और ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ठीक, ये पूछ रहा है कि हम तुम रो जो है वो ग्रुप करना चाह रहे हो या कॉलम, क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट करे हैं तो हम कॉलम पर टिक लगाएंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप हो चुका है और इसका आगे ऊपर सिंबल आ चुका है। अगर हम माइनस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए पूरा ग्रुप जो है हाइड हो चुका है। ओके, अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो पूरा एक साथ ग्रुप आ जाता है। अब इसको हम अगर अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप में गए और यहाँ पर क्लियर आउटलाइन या फिर अनग्रुप क्लिक कर दिया तो हम क्या अनग्रुप कर रहे हैं, कॉलम। ओके, इस तरीके से अनग्रुप हो गया। चाहें तो क्लियर आउटलाइन कर दें तो डायरेक्ट ही अनग्रुप हो जाता है। यहाँ पे आ गए और ऑप्शन जो है इसका ले लें और क्लियर आउटलाइन कर दें तो इस तरीके से पूरा ऑप्शन ही हट जाता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि रो को ग्रुप वाइज कर दें, जैसे कि तीन हमने रो ले ली और यहाँ पर गए ग्रुप और यहाँ पर अब की बार में देखिए रो सिलेक्टेड हैं तो रो ही सिलेक्ट रखेंगे और ओके करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अनग्रुप अनग्रुप हो रहा है। ठीक,
अगर हम इसको हटा देते हैं, मतलब कैसे हटाना हो, तो अनग्रुप पे जाएंगे, क्लियर आउट टाइम, और ये क्लियर हो जाएगा। देख नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है हमारा सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, जैसे किसी भी हम इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है वहाँ पर कोई कुछ खर्चे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे छोटे मोटे खर्चे हैं, तो उनको कैसे टोटल किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर सब टोटल का अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हैं साइड में और उनके प्राइस लिखे हैं। जैसे कभी क्या हुआ, कॉफ़ी हुई या फिर कोल्ड ड्रिंक हुई, या कोई मान लिया बल्ब फूट गया, या कभी स्नैक्स आया, या कभी न्यूज़पेपर का छोटा मोटा खर्चा, तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करा जाए। सबसे पहले तो अगर हमारा डेटा सॉर्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम पूरा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पर सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। अगर सॉर्ट पहले से है तो ठीक है, नहीं तो इसको सॉर्ट करेंगे और फिर सब टोटल पे जा करके हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से पूरा डेटा सेलेक्ट करके हमको सॉर्ट करना करके डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं। जब हम सब टोटल पे क्लिक करते हैं तो एक जिनके एक्सपेंसेस हमको कैलकुलेट करने हैं उसकी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और सब टोटल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं, प्राइस में चेंजेस होंगे, प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो हम प्राइस पर टिक लगा लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर सभी के प्राइस कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ से देखें सभी को माइनस कराते हैं तो ग्रैंड टोटल देखिए सभी के ग्रैंड सभी का टोटल बता रहा है। अगर हम इसको भी माइनस कर दें तो देखिए केवल ग्रैंड टोटल बता रहा है, ठीक, मतलब सब टोटल हो चुका है। हमको इस तरीके से सभी के टोटल लेने हैं और ग्रैंड टोटल लेना है तो इस तरीके से, और या फिर चाहें तो हम एक एक करके सो भी करा सकते हैं। इस तरीके से पूरे का टोटल दे रहा है, जो हम यहाँ से करा रहे हैं वो यहीं से सो डिटेल, हाई डिटेल ये भी करा सकते हैं। और इस तरीके से आपका डेटा ग्रुप जो है डेटा टैब समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य सेंड करें।